Student start binomial theorem. Topic is binomial theorem. ठीक है, binomial theorem में सबसे पहले इसमें कुछ terms use होती है, वो terms हम पहले discuss कर लेते हैं. Actually वो क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैक्टोरियल. फैक्टोरियल है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो है दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल फैक्टोरियल. अब एक्चुअली फैक्टोरियल होता क्या है वो देखते हैं. फैक्टोरियल जो है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स. फैक्टोरियल जो है ये होल नंबर के लिए ही डिफाइन है. तो फैक्टोरियल, सबसे पहले तो फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर. फैक्टोरियल होता क्या है, सपोज हमें दिया है 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 4 × 3 × 2 × 1, मीन्स 4 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन. तो 4 फैक्टोरियल एक्चुअली क्या होगा, 4 × 3 = 12 × 2, दैट इज 24. सेकेंड, सपोज हमें फाइंड आउट करना 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, 5 × 4 × 3 × 2 × 1. 5 फैक्टोरियल लिखा है, इट मीन्स 5 से लेकर 1 तक प्रोडक्ट. 5 × 4 = 20, 60, 120. ना 3 फैक्टोरियल, ये जो है सिंबल फैक्टोरियल का है. 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, 6 एंड सो ऑन. अगर फैक्टोरियल को हमें कहीं इन बिटवीन रोकना है तो वो भी हम कर सकते हैं. क्या होगा, 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल को मैं क्या, 7 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 7 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट. तो 7 × 6 × मैं इसको 5 फैक्टोरियल पे भी रोक सकता हूं. Why? Because ये क्या हो, 7 × 6 × यहां क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या होगा, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा. अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, 7 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 7 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है. That is also equal to 7 × 6 × देखो मैं यहां से इसको रोकना चाह रहा हूं, ये क्या होता है, 5 फैक्टोरियल. तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 5 फैक्टोरियल. सिमिलरली फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमें फाइंड करना है n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, n का 10 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, n × n-1 × n-2 × n-3 एंड सो ऑन, 2 × 1. ठीक है, ओके. इसको चाहो तो इन बिटवीन भी हम रोक सकते हैं. कैसे, इसको अगर मैंने लिख दिया n × यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक n-1 × n-2 × n-3 एंड सो ऑन अप टू 1 तक. कहां से स्टार्ट हो रहा है, n-1 से, तो इसको मैं लिख सकता हूं n-1 फैक्टोरियल. अगर इन बिटवीन कहीं हम इनको रोकना है तो हम इसको ऐसे रोक सकते हैं. ये क्या होगा कि बाद में कैलकुलेशन में यूज होगा, दैट विल सी हाउ. 6th,
सपोज हमें फाइंड करना है 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये जो भी वैल्यू आ रही है वो 8 फैक्टोरियल होगी. 1 फैक्टोरियल, 1 का 1 तक का प्रोडक्ट 1. हाँ, यहां पे एक जो टर्म है मैंने बोला है कि फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर. होल नंबर में जीरो भी आता है, तो जीरो फैक्टोरियल जो है दैट इज डिफाइंड एज 1. जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1. याद रखना था, जीरो फैक्टोरियल इज व्हाट? 1. ठीक, ओके. नाउ डू सम एग्जांपल्स. Just try these examples. Example 1. Find the value of 10 factorial. Second, 7 factorial upon 3 factorial. Third, 5 factorial into 7 factorial upon 6 factorial. इनकी values find out करो. हो गया 10 फैक्टोरियल. क्या आया? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कहां तक? 1 तक. अभी जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो लिख लेना, दैट विल बी द आंसर. अब ये देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो हमें पूरा 7 फैक्टोरियल वो 3 फैक्टोरियल पूरा इनकी जो वैल्यूज है वो लिखने की जरूरत नहीं है. इन बिटवीन देख 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. अब यहां 3 फैक्टोरियल आ गया तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 फैक्टोरियल यहीं पे रोक देता हूं. उससे क्या होगा? अपॉन में क्या 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा. क्या होगा? 840. यहां पे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को कैंसिल मत कर देना, यहां पे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को कैंसिल मत कर देना. फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कभी भी कैंसिल नहीं होता है. जो कंप्लीट नंबर है, जैसे यहां 3 फैक्टोरियल है, यहां भी 3 फैक्टोरियल है, तो कैंसिल हो जाएंगे. केवल फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होता है. अब ये देखो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हमें क्या, हमें पता है क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. डायरेक्टली लिख दूं 120 इंटू 7 फैक्टोरियल. देखो 7 फैक्टोरियल है, यहां पे 6 फैक्टोरियल है, तो क्या करता हूं मैं 7 फैक्टोरियल को लिखता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रोक देता हूं अपॉन 6 फैक्टोरियल. उससे क्या होगा कि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा. तो अगेन ये भी क्या आ जाएगा 840. ठीक है. हाँ, यहां पे एक और चीज है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ऐसा मत कर देना 42 का फैक्टोरियल. ये ऐसा नहीं होता, ये 7 अलग है, 6 फैक्टोरियल एक अलग नंबर है. 6 फैक्टोरियल हमने फाइंड किया है क्या? नहीं किया. 6 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 720 आ जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या अपना 120 है, तो 6 फैक्टोरियल 720 आ जाएगा. तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये 720 है, तो 7 इंटू 720 है, ना कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. इसे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये जो है ये एक अलग नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है ये. ठीक, यहां पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसका बाइनोमियल में यूज होगा, दैट इज एन सी आर. एन सी आर, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, जो कि हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे इसको.
एनसीआर इसका मीनिंग क्या होता है वो देखो, इसका मीनिंग होता है एनसीआर का, एन है एन फैक्टोरियल, ऊपर है तो ऊपर, अपॉन आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी जो वैल्यू होती है ये कब होता है, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये होगा इफ एन इज लेस देन आर, एन इज लेस देन आर इट विल बी व्हाट, जीरो। एन अगर आर से छोटा हो जाता है ओके, तो इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। इफ एन इज लेस देन आर देन इट विल बी जीरो, क्योंकि यहां पे एन माइनस आर, एन इज लेस देन आर, ये नेगेटिव आ जाता है और नेगेटिव नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। तो देखो कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट suppose we have to find out 5C3, but we have to find out 5C3 क्या होता है, पहले इनको लिख लो क्या होगा, 5 factorial upon 3 factorial और फिर क्या 5 minus 3, n minus r होता है ना, तो 5 minus 3 that is what 2, तो 2 का factorial। अब इसकी वैल्यू जो भी आती है क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, इसको मैं 3 तक लिख दूं ताकि आगे फिर कैंसिल हो जाएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों करें, तो क्या होगा 5 × 4 × 3 factorial अपॉन 3 factorial × 2 factorial क्या होता है 2 × 1, तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल, तो हमने देख ही लिया क्या होता है, देखो 3 फैक्टोरियल कंप्लीट नंबर कैंसिल होगा, 2 क्या आ जाएगा 10, तो 5C3 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 10, मींस ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी 5C3 की 10 होगी। एक और एग्जांपल करते हैं 10C7 क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और फिर क्या हो 10 minus 7 दैट इज व्हाट 3, तो 3 का फैक्टोरियल। अब क्या करें 10 फैक्टोरियल को लिखूं मैं, यहां 7 दिख रहा है तो क्या करता हूं मैं 10 फैक्टोरियल को लिखता हूं 10 × 9 × 8 × 7 factorial क्योंकि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 वहां तक जाने के बजाय मैं 7 फैक्टोरियल लिख देता हूं, सो दैट 7 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। मैं चाहता तो इसको 3 फैक्टोरियल पे भी रोक सकता था, लेकिन अननेसेसरी इतना कैलकुलेशन और क्यों करें, 7 × 6 वाला जो है अपॉन 7 factorial × 3 factorial क्या होगा 7 factorial से 7 factorial कैंसिल होगा कंप्लीट। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, क्योंकि 3 × 2 × 1 ये होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहां लिख लो 10 × 9 × 8 अपॉन 3 factorial 3 × 2 दैट इज व्हाट 6, तो ये आ जाएगा 120, कैलकुलेट कर लेना। तो 10C7 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 120। एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट 8C4 क्या होगा, इसका मतलब क्या था, पहले तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 दैट इज व्हाट अगेन 4
फैक्टोरियल, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये जो वैल्यू आएगी क्या जाएगी 4 टू जा 8, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू जा 6 तो ये आ जाएगा 70, 8C4 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 70 आ जाएगी। ये कुछ, ये जो एनसीआर होता है ये क्या होता है, एक वैल्यू होता है फोर्थ। अब कुछ जनरल उसमें कर लेते हैं, सपोज NC0 निकालो, N0 क्या होगा N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 0 क्या होगा n, तो n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, क्योंकि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, याद है ना 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, ऐसा नहीं 0 फैक्टोरियल 0 लिख दिया और 0 इंटू ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मीन्स एन सी जीरो इज इक्वल टू व्हाट 1। तो इसमें अगर कुछ एग्जांपल करें, जैसे इसके लिए 12C0 क्या होगा, हम डायरेक्टली वी कैन से दैट 1, क्या लिखूंगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ओके अपॉन में 12 माइनस 0 दैट इज 12 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 12C0 क्या आ जाएगा 1, 100C0 क्या आ जाएगा 1, जब NC0 ही है चाहो तो फाइंड आउट कर लेना। फिर आते हैं फिफ्थ, फिफ्थ में सपोज वी हैव टू फाइंड आउट NC1 NC1 जो है ये आता है N, ये जो भी है NC1 जो है क्या आएगा N आएगा, कैसे देखो NC1 इसका मीनिंग क्या होता है N फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल N माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं N इंटू एन माइनस वन एक कम फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये एज इट इज लिख दिया, एन माइनस वन पे ही क्यों स्टॉप किया, ये एन माइनस वन है, ये कंप्लीट एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन। तो यहां पे देखो 10C1 क्या होगा 10, 50C1 क्या आएगा 50, 200C1 क्या आ जाएगा 200, ठीक है ओके। सिक्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं सपोज अगर n इज लेस देन r वाला केस आ जाता है, जैसे सपोज वी हैव टू फाइंड आउट 10C12, तो देखो यहां पे ये वाला केस आ जाएगा n इज लेस देन r वाला, वैसे भी क्या लिखेंगे इसको 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, लेकिन 10 माइनस 12 करूंगा तो क्या आ जाएगा
माइनस टू, और माइनस टू फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो टेन सी ट्वेल्व क्या आ गया, जीरो। सेवन फिफ्टीन सी सिक्सटीन, ये भी क्या होगा, जीरो। इज दैट क्लियर, जस्ट नोट इट डाउन। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी मैंने इसको रफ नहीं किया है, ठीक है, ताकि तुम्हें सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहां पर कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करो, सेवन सी टू इसकी वैल्यू फाइंड करो, सेकेंड एन सी टू ये एन के टर्म्स में ही आएगा, थर्ड ट्वेल्व सी सेवनटीन एंड फोर्थ एट सी थ्री। फाइंड आउट दिस फोर वैल्यूज, जस्ट राइट आउट। हो गया, देखो सेवन सी टू होगा, सेवन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, सेवन माइनस टू दैट इज व्हाट, फाइव फैक्टोरियल। जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो हमने अप्लाई किया है। सेवन फैक्टोरियल क्या लिखूंगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, मैं यही रोक देता हूँ ना, फाइव फैक्टोरियल लगा देता हूँ, क्योंकि फाइव फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में अपने पास है, उससे कैंसिल हो जाएगा। टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू इंटू वन, तो वैल्यू क्या आएगी, टू ही आएगी। टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, टू इंटू फाइव फैक्टोरियल, तो देखो फाइव फैक्टोरियल से फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ट्वेंटी वन। तो सेवन सी टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ट्वेंटी वन। अब आते हैं एन सी टू, शायद याद होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को लिखता हूं मैं एन इंटू एन माइनस वन, यहां पे नहीं रोकना हमें, क्योंकि यहां पे क्या एन माइनस टू है ना, फिर और कम करो एक एन माइनस टू, बस आप रोक दो फैक्टोरियल लगा दो, ताकि पूरा ही टर्म कैंसिल हो जाए। अपॉन टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू, टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, टू इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, तो देखो एन माइनस टू से एन माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। थर्ड ट्वेल्व सी सेवनटीन, ये तो जीरो, सेवनटीन ज्यादा है, सेवनटीन ज्यादा है ट्वेल्व से। फिर एट सी थ्री क्या होगा, एट फैक्टोरियल लेट अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एट माइनस थ्री फाइव फैक्टोरियल। एट फैक्टोरियल क्या होगा, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स, थ्री इंटू टू इंटू फाइव फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो, फाइव फैक्टोरियल से फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, सिक्स से सिक्स कैंसिल हुआ, क्या बचा, फिफ्टी सिक्स। तो एट सी थ्री इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिफ्टी सिक्स आ जाएगा। ये प्रॉब्लम ट्राई करो, इफ एन प्लस वन सी थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स एन सी टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, इसको ट्राई करो। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखो सबसे पहले एन प्लस वन सी थ्री इसको लिखता हूं मैं, क्या होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू क्या होगा, एन प्लस वन माइनस थ्री
दैट इज व्हाट एन माइनस टू फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स, अब एन सी टू को लिखते हैं क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या एन माइनस टू तक लिख दूं, या इफ यू सी हियर एन माइनस टू से एन माइनस टू तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ये जो है एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल इससे ही कैंसिल हो जाएगा ना, और एन प्लस वन इंटू एन एक कम ना, लेकिन एन फैक्टोरियल पे रोक देता हूं क्योंकि एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल पे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन इसको लिखा मैंने एन प्लस वन फैक्टोरियल को एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल क्या होगा थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज वॉट सिक्स, इससे तो ये वाला पार्ट मैंने कैंसिल कर ही दिया है, टू से टू फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टू फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या आती है टू आती है, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओनली, तो यहां से एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, तो एन प्लस वन क्या आया सिक्स, तो एन क्या आ गया अपना फाइव, एन विल बी इक्वल टू व्हाट फाइव, तो एन की वैल्यू क्या होगी फाइव होगी। एक और एग्जांपल ट्राई करो सिक्स वाला, सपोज एन सी थ्री इज इक्वल टू एन माइनस वन सी टू, देन फाइंड एन, देन फाइंड एन सी थ्री इज इक्वल टू एन माइनस वन सी टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, क्या करोगे एन सी थ्री लिखो पहले क्या आएगा एन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, राइट हैंड साइड देखो एन माइनस वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फिर क्या आएगा एन माइनस वन माइनस टू दैट इज व्हाट एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, क्या क्या कैंसिल हो रहा है एन माइनस थ्री से एन माइनस थ्री ये टर्म कैंसिल हो गई, यहां पे एन फैक्टोरियल है यहां पे एन माइनस वन फैक्टोरियल है, मीन्स इस एन फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं एन इंटू एन माइनस वन, बस यहीं पे रोक दो कम करते जाते हैं ना, अपॉन थ्री फैक्टोरियल क्या होता है सिक्स, दैट इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल क्या होता है टू, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया सिक्स बाय टू दैट इज व्हाट थ्री, एन की वैल्यू क्या आ गई थ्री, वहां रख दो और फाइंड कर लो इनकी वैल्यूज क्या आती है एक्चुअली, चाहो तो थ्री सी थ्री वो निकाल सकते हैं हम थ्री माइनस वन दैट इज टू सी, यहां से एन क्या आएगा थ्री आएगा, नाउ कैन यू टेल मी ये वैल्यू क्या होगा थ्री सी थ्री, अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें तो थ्री सी थ्री क्या होगा थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल थ्री माइनस थ्री दैट इज व्हाट जीरो फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हुआ क्या बचा वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, लेकिन जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन, ये क्या आ गया वन आ गया, सिमिलरली टू सी टू भी क्या जाएगा वन आ जाएगा, फाइंड कर लेना, तो इन जनरल वी कैन से दैट एन सी एन क्या आएगा वन आएगा, चाहो तो फाइंड आउट करके देख लो एन सी एन क्या आएगा वन आएगा।